ओम शांति। हम सभी का ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ है, कितना महान है, जो स्वयं भगवान हमें हमारे जन्मदिन की गिफ्ट देते हैं। हम उसके बच्चे बन गए, उसने हमें जैसे पैदा कर दिया और जन्मदिन की गिफ्ट दे दी। पहले गिफ्ट दी बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान भव, फिर गिफ्ट दी बच्चे संपूर्ण पवित्र भव, फिर गिफ्ट दी दिव्य समर्थ बुद्धि की और दिव्य नेत्र की। हम सभी को ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान मिला कि हम तीनों लोकों को और तीनों कालों को यहीं से देख सकते हैं, जान गए हैं। ये है हमारी दिव्य बुद्धि, समर्थ भी बुद्धि मिली। समर्थ माना जो कुछ हम सोचना चाहें बुद्धि के द्वारा, जो कुछ उसमें भरना चाहें वो भर सकें। हमारी बुद्धि बहुत शक्तिशाली भी हो गई है। और ज्ञान का तीसरा नेत्र भी हमें मिला। हम जब चाहें परम धाम में जाएं, देखें उसे, जब चाहें सूक्ष्म वतन को स्पष्ट देखें, जब चाहें स्वर्ग को, अपने स्वरूप को स्पष्ट देखें, चारों युगों में अपने हीरो पार्ट को देखें। ये सब दिव्य नेत्र भी हमें प्राप्त हुए हैं। भगवान को देखने का दिव्य नेत्र हमें मिला है। कितनी बड़ी बात है। आत्मा जो देखी नहीं जाती, उसको देखने का दिव्य नेत्र हमें मिला है। ये गोल्डन गिफ्ट स्वयं हमारे परमपिता के द्वारा बहुत प्यार से हमारे बर्थडे पर मिली है। और अगर कोई बहुत महान बच्चा है तो उसे हर बर्थडे पर भी बाबा की ओर से एक सुंदर गिफ्ट मिलती है। यूं तो सभी के अलग अलग समय पर बर्थडे हैं, पर शिवरात्रि का, शिव जयंती का जो दिन है, वो हम सभी के लिए सामूहिक रूप से बर्थडे है। तो क्या हमने ये दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र की गिफ्ट अपने बाबा से प्राप्त की है? उसने तो हम सबको दी है। क्या हमने उसको सचमुच स्वीकार किया है? अगर हमने स्वीकार कर लिया है, अगर हमने उस गिफ्ट को संभाल कर रखा है, तो यही गिफ्ट हमारे लिए बहुत अनमोल चीज है। तो हम सारा दिन इस गिफ्ट को अपने पास रखें, याद रखें। बुद्धि तो सभी के पास है, पर हमारे पास है भगवान के द्वारा दी गई दिव्य बुद्धि। दो नेत्र तो सभी के पास हैं, पर हमारे पास है स्वयं भाग्य विधाता, वरदाता, दिव्य नेत्र देने वाले बाप के द्वारा प्रदान किया हुआ दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र। ये तीसरा नेत्र केवल हमारे ही पास है। तो इससे हम अलौकिक चीजों को देखने का अभ्यास करें। और इसी दिव्य नेत्र से जब हम इस संसार को देखते हैं, तो इस नजर से देखें कि जो कुछ दिख रहा है ये सब तो विनाशी है, ये सब अब नहीं रहेगा, सतयुग में कुछ और होगा, अति सुंदर होगा, अति दिव्य होगा, अति महान होगा। अविनाशी तो केवल आत्माएं हैं, और सभी के मस्तक में चमकती हुई अविनाशी मणि को देखें, तो इससे हमारी बुद्धि की दिव्यता और बढ़ती जाएगी। देह को देखने से बुद्धि मलिन होती है, आत्मा को देखने से बुद्धि और विचार, कर्मेंद्रियां सब स्वच्छ हो जाती हैं। तो अपने दिव्य नेत्र का प्रयोग इस तरह करेंगे। और अगर हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ बना लें, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जो गंदगी किसी ने भी अपनी बुद्धि में भर ली है, यदि उसको स्वच्छ कर लिया जाए, तो भगवान वाच है, जैसे जादूगर लोग हाथ की सफाई के द्वारा कमाल दिखाते रहते हैं, वैसे ही यदि तुम बुद्धि की सफाई कर लो तो तुम्हारी बुद्धि अनेक चमत्कार दिखाएगी। तो आओ हम लक्ष्य लें, हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है और उसमें सभी के लिए सद्भावनाएं भर लेनी है, उसमें सभी के लिए कल्याण की भावना भर लेनी है। तो आज सारा दिन हम अपने दिव्य नेत्र को प्रयोग करेंगे, अपनी दिव्य बुद्धि को प्रयोग करेंगे। नीचे देखेंगे तो सभी के मस्तक में चमकती हुई मणि
ऊपर देखेंगे तो ज्ञान सूर्य जिसका तेज चहुं ओर फैल रहा है। बार बार ये दोनों अभ्यास करते रहेंगे और अपनी बुद्धि की दिव्यता को बढ़ाते चलेंगे। ओम शांति।